कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन भैया यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। नहीं नहीं, हम किसी स्कैंडल की बात नहीं कर रहे। एक चम्मच इतिहास में आज हम बात कर रहे हैं दाल मखनी की, जिसे बनाया जाता है काली उड़द यानी माँ की दाल से। मेरे पास माँ है। बस इसी तरह पूरी फिल्मी है हमारी दाल मखनी की स्टोरी भी। तो कहानी शुरू होती है 1947 से, जब बंटवारे के वक्त दो भाई बिछड़ गए। नहीं नहीं, इतनी भी फिल्मी नहीं है, लेकिन हाँ बंटवारे से रिलेटेड तो है। हुआ यूं कि पार्टीशन के वक्त कुंदनलाल जग्गी पाकिस्तान से दिल्ली आ गए और अपने साथ ले आए पाकिस्तान के पेशावर की मशहूर पेशावरी दाल। दिल्ली में उन्होंने अपना एक ढाबा खोला, जहां लोगों ने इस दाल को ज्यादा घास नहीं डाली, लेकिन सीख पर चढ़े तंदूरी चिकन के दीवाने हो गए दिल्ली वाले। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे सीख पर ज्यादा चिकन भी चढ़ने लगे और दिन भर सीख पर चढ़े चढ़े ड्राई होने लगे। अब जग्गी ने इसका एक उपाय निकाला और इसी से कनेक्शन है हमारी दाल मखनी का भी। तो हाँ, जग्गी ने इसका एक उपाय निकाला और बनाई मक्खन से लैस एक शानदार ग्रेवी और चढ़ा दी इसकी एक परत चिकन पर। ओ भाई, फिर तो कमाली हो गया। ये डिश बटर चिकन के नाम से इतनी मशहूर हुई कि भावना के दिल तक पहुंच गई। भावना कौन? मैं आपकी होस्ट भावना, अभी तक नाम भी नहीं जानते ना। तो फिर क्या हुआ कि अब जग्गी जी को नॉन वेजिटेरियंस को खुश करने का उपाय तो मिल गया था, तो अब वेजिटेरियंस के लिए क्या करते। तो यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। आपको याद है ना कि जग्गी जी पाकिस्तान से क्या लेकर आए थे? जी हाँ, वही पेशावरी दाल। तो उन्होंने सोचा कि जो ग्रेवी चिकन को इतना टेस्टी बना सकती है, वो दाल को क्यों नहीं। बस इसी तरह पेशावरी दाल में लगा मक्खन का तड़का और बन गई हमारी आज की नायिका, यानी हमारी दाल मखनी। और इसका स्वाद भी लोगों को इतना पसंद आया कि जग्गी का मोती महल रेस्टोरेंट दिल्ली ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। जी हाँ, सही समझे आप, बटर चिकन और दाल मखनी दोनों को बनाने का क्रेडिट जाता है मोती महल के फाउंडर कुंदन लाल जग्गी को। देखिए ना, बात तो सिर्फ एक दाल की थी, लेकिन ये कहानी हमें कितनी बड़ी सीख दे गई कि सरहदें शायद सिर्फ हम इंसान के लिए ही है। स्वाद कहाँ मानता है सरहद की किसी दीवार को।